देखो मलेशिया। Now I am going to Malaysia. How much? Just a minute. Please, wait. $10. Thank you. Can you give me sleep? Thank you. मैंने कैब बुक की थी अभी। सिंगापुर से वापस जा रहा हूँ। ये देखो अभी टैक्सी है, पर ये नॉर्मल मर्सिडीज थी। मैं वीडियो बनाता तो अच्छा रहता, मैं दिखाता। मर्सिडीज थी वो, और ये समझो 2 किलोमीटर के लिए मुझे $17 देना पड़ा। तो मुझे अच्छा लगा कि मैं मर्सिडीज जैसी गाड़ी में बैठ के कहीं जा रहा हूँ। ये बस स्टैंड है मलेशिया जाने के लिए। अब मैं सिंगापुर में मैं कुछ दिन रहा, अब मैं जा रहा हूँ मलेशिया। जहाँ मैं खड़ा हूँ स्टील इंडिया के आसपास में ही है गोल्डन माइल एक्सप्रेस बस टर्मिनल। रास्ते का आप देखोगे नज़ारा तो आप देखते रह जाओगे। मैं ये बिल्डिंग दिखाना चाहता हूँ, इसलिए बिल्डिंग दिखा कर फिर मैं बैठूँगा और फिर दोबारा बाद में लाइव आऊँगा 2-3 दिन में। वहाँ ज़्यादा दिन नहीं रहूँगा मैं, फिर सिंगापुर वापस आऊँगा। मेरी फ़्लाइट चाहेंगी एयरपोर्ट सिंगापुर से है, और यहाँ से मैं इंडोनेशिया जाऊँगा बैंकॉक। आपने सुना होगा बैंकॉक, फिर वहाँ जाऊँगा मैं। ओके बाय। मेरी बस आ गई है, मैंने इस बस को बुक किया है। दिस इज द बस AKH 6666। इस बुक मैं इससे मलेशिया जाऊंगा। माय लगेज, ये खाली वाला है ना, ये यही ले आऊं क्या मैं? बस आई 5 मिनट में निकल ली, यानी तो एकदम टाइम पर। अब सिंगापुर से मलेशिया जा रहा हूँ, ये देखो, क्योंकि तो बस में मेरे सीट के नीचे चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है। मैं बोलूँगा नहीं, बस आपको दिखाता रहूँगा, क्योंकि थोड़ी सी मुझे बस में प्रॉब्लम होती है बोलने में। ये देखो, वाओ बिल्डिंग देखो, यह बेहतरीन जगह देखो। यहाँ ये इसे कहते हैं मरीना बे, ये मरीना बे है, कितना सुंदर है। यहाँ बीच है एक,
बिल्डिंग कितनी लंबी है देखो। ये बिल्डिंग को देखो और ये नजारा लो। पर मैं आज बता के जा रहा हूँ कि मैं दोबारा आऊंगा, तो मैं ये समझ जाऊँ कि ये देखो ये यहाँ जाना था मुझे। ये देखो बिल्डिंग है अच्छी है, यहाँ पे बहुत कुछ है। मुझे लग रहा है कि कम से कम 15 दिन के लिए आओ, 15 डेज। समझो दिन में आप 20-20 टैक्सी पकड़नी पड़ेगी आपको, यदि सब घूमना है आपको, हर जगह जाना है। तो अभी तक से आपके मुझे लग रहा है आप 10,000-20,000 रुपये तो टैक्सी में खर्च कर दोगे। जो आपको मैंने बिल्डिंग दिखाया वो 25,000 25,000 25,000। अब ये रियल है कि नहीं मेरे को नहीं पता, मैंने सोशल मीडिया से मुझे पता चला। तो उससे प्रॉब्लम नहीं है, पर हाँ मैं अब बता रहा हूँ, इस बार आया था तो उससे मुझे 25,000 की टिकट लेनी नहीं थी, और भी हैं 4,000 8,000 3,000 2,000, ये सब काफ़ी ऐसे ही आपके लाखों रुपये सब देखो तो लाखों रुपये खर्च हो जाएंगे केवल इनको देखने में। आपके सिंगापुर आओगे तो आपके खर्चे चार तरह के हो सकते हैं, 4-5 तरीके के। एक आपके फ्लाइट का टिकट आना जाना, दूसरा आपको यहाँ पे रहना, एकोमोडेशन कहते हैं उसको, जैसे होटल या ये जो चीज़ें हैं। तो सोचो यदि जितने अच्छे लोकेशन पे रहोगे उतने ही हाई खर्चे। तीसरा खर्चा आपका हो गया फूड। कुछ मेरे सिंगापुर डॉलर थे उसे मैंने रिंगिट ले लिया, मलेशिया का जो करेंसी है उसको मैंने कन्वर्ट कर। पांचवा खर्चा तो सबसे मेन है, यदि आप आए हो यहाँ घूमो नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं। जो शो हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, जो प्रोग्राम्स हैं वो आप नहीं दे सकते, उसे देखने के लिए आपको टिकट लेना पड़ता है, ठीक है। आप एंजॉय करो। बस आओ और क्या, सिंगापुर का मैं तो नाम सुनता था, पॉलिटिशियन सिंगापुर जाते थे या कोई भी सिंगापुर जाता था तो लगता था यार सिंगापुर पता नहीं यार कुछ बड़ा है, कुछ खास है। वो तो है ही, महंगा है, इसकी वैल्यू एशिया में 1 है, वर्ल्ड में भी भाई ये वैल्यू रखता है। और आप देख लो, आप कहीं भी देख लो, यदि आपको गंदगी, आपको अटपटी चीज़, कोई गंदी बिल्डिंग, कुछ भी खराब, कोई आदमी भी खराब आपको दिख जाए तो बता देना, क्यों ना हरियाली मिलेगी अच्छी चीज़। मैं रोड पे हूँ ये समझो, हमारे यहाँ रोड देखा है रोड कैसे होते हैं, ये पेड़ देखो, हरियाली देखो इन पेड़ों की। हमारे यहाँ तो बेचारे जैसे हमारे यहाँ जो गरीब होते हैं मुरझाए होते हैं, और ऐसे पेड़ पौधे बेचारे मुरझाए होते हैं वो। ये देखो यहाँ पे सब चीज़ें ऐसे लगता है जैसे कि खुश है, पेड़ पौधे रोड। मुझे समझ नहीं आता कि रोड साफ कब करते हैं ये, इतनी रोड क्लीन क्यों है। ये देखो क्या है जो मैं देखा मैंने उसका तो रियल, मेरे पास स्लिप है, रिसीट है, पर बाकी चीज़ों के बारे में मैं पता करके जितना पॉसिबल होगा सही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। फिर यदि तुम प्लान बना के आना चाहते हो आओ, ज़्यादातर क्या हो जाएगा अपने बारे में सोचो ज़्यादा। ओके
मुझे कहीं प्रॉब्लम ऐसा हुई नहीं, क्योंकि आप रोड पे थोड़ी बैठे रहते हो और यहाँ इतनी तो पासपोर्ट पासपोर्ट ओके ओके थैंक यू हाँ मैं इसी का वेट कर रहा था पासपोर्ट के लिए। ये देखो फिर से दिखा रहा हूँ, इसी बस में बैठा हूँ मैं। ये है डिपार्चर हॉल, हो सकता है सब माना कर जो कैसे करता सिक्योरिटी वाले बड़े खतरनाक होते भैया, इसीलिए तुम्हें थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा। मैं यहाँ पर मलेशिया जाते समय, सिंगापुर से जाते समय यहाँ पे ब्रेक लिया, बस यहाँ रुकी थी 40 मिनट। यहाँ पे हमने सामने कुछ खाया, कुछ खाने के लिए खरीदा, नारियल पानी पिया यहाँ पर हमने। ये देखो यहाँ पे इधर नारियल पानी, इधर वॉशरूम, उसके बगल में शॉप। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। बैटरी खत्म हो जाएगी तो बीच में गायब हो जाऊंगा। ये देखो मलेशिया।